हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज रिव्यू करने वाले हैं पाइल्स यानी बवासीर के इलाज के लिए। हमारे पास दो मेडिसिन है, एक पतंजलि का अर्श कल्पवटी है और दूसरा है सो मिशिका का पाइलो अर्श है। ठीक है, हम खुद यूज करने के बाद है सो आपको रिव्यू देने वाले हैं कि ये दोनों में से आपको कौन सा मेडिसिन है सो खरीदना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले सो देख लेते हैं मिशिका का पाइलो अर्श। ठीक है, ये कैप्सूल के फॉर्म में है और ये है सो सभी प्रकार के बवासीर के लिए कारगर है। ठीक है, तो देखिए, अगर यदि आपको फिसर है मतलब खूनी बवासीर, तो ये है सो 6-7 दिन में है सो ठीक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि आपको फिस्टूला मतलब वो मस्सा वाला है, तो कुछ दिन और टाइम लगेगा, लेकिन वो भी है सो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो टाइम लगने वाला है। ठीक है, लेकिन खूनी बवासीर है सो 1 हफ्ता में आराम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका प्राइस है सो 240 है, लेकिन मार्केट में 230 में अवेलेबल हो जाएगा। और ये है सो मिलेगा कहाँ, हार्बल मेडिसिन है, इसलिए हार्बल मेडिसिन के ही पास मिलेगा। जहाँ आयुर्वेदिक मतलब मेडिसिन मिलता होगा वहीं, बाकी बात इधर उधर कहीं मिलने वाला है नहीं। ठीक है, देखिए आपको ऐसो इसका देखना है तो देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके इंग्रेडिएंट्स क्या है सो दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब ऐसो हम इसको देख लेते हैं कितना टैबलेट है। देखिए ये इस तरह से ऐसो 3 पत्ता है आता है। ठीक है, जिसमें से 10-10 टैबलेट है। ठीक है, देख लेते हैं इसको, यूजर मैनुअल भी दिया हुआ है। देखिए इस तरह से आपको मिलेगा, एक में ऐसो 10 टैबलेट एक पत्ता में है, और 10 और 10, 30 टैबलेट इस तरह से है। आपको यही 2 पत्ता यूज करने के बाद ऐसा आपको पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि खूनी बवासीर है तो, अगर यदि मस्सा वाला है तो थोड़ा और है सो लेना पड़ेगा, वो है सो टाइम लगेगा, लेकिन वो भी ठीक हो जाएगा। तो आपको इसको लेना कैसे है, सुबह खाना खाने के बाद 1 टैबलेट और शाम को खाना खाने के बाद 1 टैबलेट आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब देखिए ये है सो पतंजलि का है अर्शकल्पवटी, ये तो हमको बेकार लगा। देखिए आपको लेना है तो ले सकते हैं, देखिए 2 टैबलेट मतलब सुबह खाली पेट लेना है, 2 टैबलेट शाम को खाली पेट लेना है। ठीक है, देखिए इसको 85 रुपीज़ आपको लगेगा, नंबर ऑफ टैबलेट 80 है। ठीक है, लेकिन हम बोलते हैं इसको आप है सो मत लेना, बेकार पैसा हो जाएगा, इसके जगह पर आपको है सो ये चीज़ लेना है। ठीक है, ये कोई एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ठीक है, चलिए अब है सो इसके साथ है सो आपको क्या लेना है सो देखिए। देखिए इसी कंपनी का है सो कब्ज़ ठीक करने का है सो। देखिए सबसे पहले बवासीर में है सो आपको कब्ज़ ठीक करना है। कब्ज़ ठीक नहीं होगा तो आप कितना भी दवा खाएं ठीक होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी दवा खाएं आपको ठीक होने वाला नहीं है। सबसे पहले है सो आपको कब्ज़ है सो ठीक करना है। ठीक है, तो इसी कंपनी का है कब्ज़ ठीक करने का, स्टोमक लाइन है, चूर्ण है, ये है सो इंग्रेडिएंट्स है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए 85 रुपीज़ है सो आपको लगेगा, 100 ग्राम का है। ठीक है, ये थोड़ा कॉस्टली है, अगर यदि आप इससे सस्ता में मंगाना चाहते हैं तो पतंजलि का जो त्रिफला चूर्ण है, दिखा देते हैं, देखिए पतंजलि का जो त्रिफला चूर्ण है वो भी आप ऐसा ले सकते हैं। देखिए इसका 23 रुपीज़ प्राइस है। ठीक है, 23 रुपीज़ प्राइस है, देख लीजिएगा, त्रिफला चूर्ण है पतंजलि का है। ठीक है, 23 रुपीज़ प्राइस है। अब देखिए अगर यदि बाय द वे इससे आपको ठीक नहीं होता है, तो पतंजलि का एक और है सो कब्ज़ ठीक करने का है, दिव्य चूर्ण है, इसका प्राइस है आपको लगेगा 50 रुपीज़। इसको है सो ज़्यादा अमाउंट में यूज करने पर कभी लूज मोशन किसी किसी का हो जाता है, इसलिए आप है सो इसको कम अमाउंट में लीजिएगा, आप सेट कर लीजिएगा कितना में हमको ठीक हो जाता है। तो कब्ज़ ठीक करने का हम है सो आपको 3 है सो मेडिसिन है आपको बता दिए हैं, ये 2 है सो पतंजलि का है त्रिफला चूर्ण, और ये दिव्य चूर्ण है, और ये है सो मिशिका का है सो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अस्टोमक लाइन। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, अगर यदि आपको किसी भी तरह का समस्या है, अगर यदि आपको लगा कि इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया उस प्रश्न को, तो आप ऐसो कमेंट सेक्शन में आप ऐसो पूछ सकते हैं, आपको निश्चित ही हम रिप्लाई करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक,
आपको अगर यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।